अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम पर ये वीडियो सब काफी ज्यादा ही वायरल हो रहा है। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, ये देखो मैंने इंस्टाग्राम से कुछ इस तरीके से बहुत सारा वीडियोस देखा है और उन सारे वीडियोस पे काफी ज्यादा व्यूज है, उसके साथ ही साथ लाइक्स भी है। तो गाइस अगर आपको भी ऐसा वीडियोस बनाना है विथ एआई तो इस वीडियो के साथ बने रहे। गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं इस वीडियो पे एक फ्लावर है और उस फ्लावर के अंदर मोशन दिया गया है और जो फ्लावर है, जो फ्लावर फुटेज है, जो पिक्चर है, तस्वीर है, बहुत ही ज्यादा एचडी यानी कि 4K कह सकते हो और आप 8K भी कह सकते हो। वेल गाइस आपको क्या करना होगा, वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दें और एक लाइक के साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन को प्लीज क्लिक कर देना ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर जाओ, बेल आइकन को क्लिक कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पर चले आ जाना है और गाइस इस आईडी पे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ पिक्चर सब इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ना कुछ इस तरीके से होल्ड करके एक स्क्रीनशॉट लेना होगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने सोचो लिया। अब आप यहाँ पर उस स्क्रीनशॉट को क्या कर सकते हो, पिंटरेस्ट एप्लीकेशन पर जा सकते हो। तो जैसे कि पिंटरेस्ट एप्लीकेशन पर आने के बाद ये देखो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पिक्चर सब देखने को मिल जाता है। अगर आप सभी को देखने को नहीं मिलता है तो आप क्या करो, इस सर्च का ऑप्शन पे जाओ, इस कैमरा का ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पर से आप अपना जो फोटो को स्क्रीनशॉट लिए उस फोटो को अपलोड करो। अब इस फोटो को मैंने अपलोड किया तो कुछ इसी तरीके से सिमिलर पिक्चर सब मेरे को दिखाने लगा। अब देखो भाई यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, इन पिक्चर सबको भी सेव कर सकते हो। मैं आपको सबसे पहले पिक्चर सब कहाँ से फाइंड करने वो बताता हूँ। अब देखो आप यहाँ से सेव कर सकते हो पिक्चर को अपनी गैलरी पे। अब इस फोटो को आप थोड़ा इनहेंस कर लेना। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ पिक्चर सब अगर आपको पिंटरेस्ट से पसंद नहीं आया है तो आप क्या करो। अभी देखो गाइज आप एआई से पिक्चर को बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस साइट पर आना है और देख सकते हो इमेज टू प्रॉम्प्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो पिक्चर का मैं स्क्रीनशॉट लिया उस पिक्चर को मैंने यहाँ पर अपलोड किया ताकि मैं उस वीडियो उस इमेज से मेरे को प्रॉम्प्ट पता चले। अब देखो उस इमेज से जो भी प्रॉम्प्ट आता है मैं उसे कॉपी करूंगा। अब देखो भाई इस इमेज का प्रॉम्प्ट नीचे की ओर आपको देखने को मिल चुका है। देखो स्टेबल डिफ्यूजन टू प्रॉम्प्ट, स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल प्रॉम्प्ट और फिर ये सब है। तो आप इनमें से कोई भी एक कॉपी कर सकते हो। तो मैं इनमें से थोड़ा देर वेट करता हूँ और देखो भाई ये जो पिक्चर का जो भी प्रॉम्प्ट है इसके अंदर जो भी चीज़ है सारा यहाँ पर इस पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप इनमें से क्या कर सकते हो, इस तरीके से कॉपी कर सकते हो। तो आप ना स्टेबल डिफ्यूजन भी कॉपी कर सकते हो, आप इनमें से कोई भी एक प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हो। मैंने इनमें से एक प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया। उसके बाद आपको एडोबी फायरफ्लाई पे आना है और यहाँ पर नीचे की ओर आपको देखने को मिलेगा डिस्क्राइब प्रॉम्प्ट। मैं उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया और स्लाइड कर देना है आपको और यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पर आपको जनरेट देखने को मिलता है। तो इस जनरेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वो चला जा चुका है यहाँ पर जनरेटिंग के लिए। तो देखो भाई यहाँ पर फायरफ्लाई एडोबी ये बनाता है आपका इस तरह पिक्चर सब जो प्रॉम्प्ट हमें मिला उस प्रॉम्प्ट के थ्रू। अब देखो पिंटरेस्ट से अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप यहाँ पर एडोबी से बना सकते हो। तो देखो भाई सिमिलर टाइप के उस तरीके से पिक्चर सब बना दिया, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो। वेल आप समझो ये फोटो को मैंने सेव कर लिया है किसी भी तरीके से, पिंटरेस्ट से या मैं एआई से बनाया हूँ। तो इस जगह पे आप समझ सकते हो आपको पिक्चर वगैरह मिल चुका है बेस्ट क्वालिटी वाला पिंटरेस्ट से या एआई से। तो अब आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको hyper.ai पे आना है। अब देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, ये आपका पिक्चर को कुछ इस तरीके से जैसे कि आप प्रीव्यू पे देख रहे हो स्क्रीन पे वीडियो पे कन्वर्ट कर देता है। तो जो इंस्टाग्राम पर आप आईडी सब देख रहे हो, इंस्टाग्राम जो भी इंस्टा आईडी सब देख रहे हो उस पर क्या हो रहा है, इसी तरीके से पिक्चर को जस्ट 5 सेकंड तक थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एक मोशन देखने को मिल रहा है। तो वो मोशन इसी जगह से बनाया जाता है। आप और भी डेफिनेटली जगह से बना सकते हो बट गाइस मैं आपको इस वाले जगह से बताता हूँ। अब देखो भाई यहाँ पर क्या कर सकते हो, इमेज टू वीडियो इस पर क्लिक करना है, आपको फर्स्ट फ्रेम पर क्लिक करना है और अपना वो वाला इमेज को इम्पोर्ट करना है। अब देखो भाई यहाँ पर क्या करना है, आपने जो यहाँ पर प्रॉम्प्ट कॉपी किया था, जो प्रॉम्प्ट आपने बनाया था कुछ इस जगह से जहाँ पर आपने फोटो को अपलोड किया और यहाँ पर प्रॉम्प्ट मिल गया, इस प्रॉम्प्ट को आपको इस जगह पे डिस्क्राइब करना है यानी कि hyper.ai पे। अब क्रिएट फ्री पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका क्या होगा, थोड़ा देर आपको वेट करना है ताकि आपका यहाँ पर देख सकते हो इस एरो पे मैंने क्लिक किया और देख सकते हो यहाँ पर क्यूइंग फॉर जनरेशन यानी कि ये वीडियो मेरा क्यू पे चला जा चुका है, आप यहाँ पर थोड़ा देर वेट करो। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा पिक्चर से वीडियो बन चुका है कुछ इस तरीके से। देखो भाई यहाँ पर बादल सब भी मूव हो रहा है और देखो कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर वीडियो बनकर रेडी है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इस जगह पे क्लिक करके इस वीडियो को सेव कर सकते हो। अब गाइस अगर आप इस 4 सेकंड के वीडियोस को कुछ और ज़्यादा ड्यूरेशन तक करना चाहते हो तो देखो भाई आपको यहाँ पर क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इस जगह पे क्लिक करना है और देखो एक्सटेंड ड्यूरेशन इस पर क्लिक करना है, अपलोड वीडियो पर क्लिक करना है
और ये 4 सेकंड का वीडियो को आप एक्सटेंड कर सकते हो। सेम आपको इस जगह पे वो वाला प्रॉम्प्ट को डालना है और उस वाले प्रॉम्प्ट जो अभी आपने यहाँ पर कॉपी किया था उस वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ पर डाल देना। बाय द वे आपका यहाँ पर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एग्जांपल। देखो भाई यहाँ पर पेस्ट कर दिया प्रॉम्प्ट। अब क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 300 डायमंड मिलता है, उसमें से 40 डायमंड माइनस हो जाएगा। खैर 4 सेकंड का वीडियोस को आप कुछ और ज़्यादा लॉन्ग बना सकते हो कुछ इस तरीके से। आप देखो यहाँ पर बादल वगैरह सारा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम पर ये वाला जो ऑडियो है ये ऑडियो सबको यूज़ कर सकते हो और अपना रील्स पे बना सकते हो कुछ इस तरीके से। देख सकते हो ये सब सेटिस्फैक्शन रील्स ऑडियो है, तो आपको ये रील सब देख के सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और सुकून एक तरह मिलता है। तो इसीलिए ये ऑडियो सब आप यूज़ कर सकते हो इन आईडी का। तो आप देखो भाई, अब बाय द वे वाटरमार्क है वो अपना रिमूव कर लेना या अपना आईडी लगा देना ब्लर करके कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। लाइट मोशन बहुत सारा है काइनेमास्टर VN, जिसका मतलब आप इस जगह पे कुछ वाटरमार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा या आप क्रॉप कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो देखकर पसंद आया। चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर जाओ।